नमस्कार नमस्कार। आज इस नए टॉकथॉन के नवंबर संस्करण में आपका स्वागत है। ये टॉकथॉन एक मई में हम लोगों ने शुरू किया। पहला हम लोगों ने 24 घंटे का टॉकथॉन किया था, 12 से 12। लेकिन जब पहला टॉकथॉन कर लिए तो ऐसा लगा कि रात का जो सेशन होता है 12-1 बजे, खास करके 1 से सुबह या 2 बजे से सुबह 5-6 बजे तक का, उसमें कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं, इसकी इतने लंबे सेशन की, क्योंकि उस समय एक तो प्रयास बहुत होता है, एफर्ट बहुत लगता है, और उतने दर्शक नहीं रह जाते हैं, उतने ऑडियंस नहीं रह जाते हैं। तो ये सोच करके लगा कि क्यों ना इसके फॉर्मेट को थोड़ा रीडिफाइन करें, और उसी के तहत हमने इसको 12 घंटे का कर लिया। तो मई के बाद जो भी हुआ, हमने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर किया, उसको हम 12 घंटे का किए। दूसरा, एक दो चीजें मैं थोड़ा इधर फर्क हुई हैं। एक तो इसको पहले हम सैटरडे को करते थे, लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, फिर कुछ ऐसा कारण आया कि टेक्निकल भी थे, पर्सनल भी थे, कि इसको हमने मिड ऑफ द मंथ में करना शुरू किया, मिड ऑफ द मंथ के सैटरडे में। लेकिन फिर एक इस सैटरडे को फिर से कहीं कुछ ऐसी दिक्कत हुई कि नहीं, तो ये हुआ कि नवंबर का फिर छूट जाएगा, तो व्हाई नॉट डू इट ऑन ट्यूसडे। आज ट्यूसडे को इसको करने की बात हुई, और अब अगले महीने का भी कोशिश करेंगे कि फिर से हम लोग लास्ट सैटरडे या मिड सैटरडे या सेकंड सैटरडे पे आ जाएं। मेरे ख्याल में सेकंड सैटरडे एक अच्छा दिन रहेगा, लेकिन तब तक महीने का एक टॉकथॉन तो करते रहेंगे। मेरे जो नए दर्शक हैं, जो इधर जुड़े हैं, उनके लिए को बता दूं भाई, ये एक 12 घंटे का हम टॉकथॉन करते हैं। ओवरऑल जनरल विषय एक होता है, और उस विषय के नीचे सब विषय, आप कह सकते हैं 11 विषय और हो जाते हैं। तो 12 घंटे की बात करते हैं, लेकिन विथ अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ मेन विषय। इस बार का जो थीम कह लीजिए, मेन टॉपिक कह लीजिए, वो है चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर खत्म लोकतंत्र की नई परिभाषा। अभी क्या हो गया है कि जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं, खास करके पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है देश का, वो केवल चुनाव और चुनाव और चुनाव, मतलब किसको वोट मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे, कौन जात किधर चली जाएगी, कौन जात आएगी, कौन जात नहीं आएगी, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब बातें हो रही हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में चुनाव एक जरिया है, और उसके बाद पीपुल्स वॉइस, लोकमत का क्या इच्छाएं हैं, क्या संवेदनाएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, इसको परिलक्षित और इसको परिभाषित करता है। लेकिन आज का लोकतंत्र, तो आज का जो लोकतंत्र, उसका मतलब मैंने चुनाव जीत गया, मैं अब उसके बाद जिसको, अगर एक थोड़े माफ करेंगे, प्रोफेसर अजीत झा साहब आ गए हैं, मैं उनकी मौजूदगी में एक खराब बात कर रहा हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मैं चुनाव जीत गया तो फिर मैं जैसे चाहूं, वो लोकतंत्र को मैं हाकूंगा फिर। स्वागत है प्रोफेसर अजीत झा साहब आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका क्लास है, और मैंने इनसे आग्रह किया क्योंकि ये थोड़े जिसको कहते हैं ना टोन सेट करने वाला क्लास होता है, जहां पे पूरे दिन भर हम लोग क्या विमर्श करेंगे उसकी बात होती है। प्रोफेसर साहब, आपसे ही, आपसे जरा इसको समझ लें, जो अभी एक नया शुरू हो गया है कि केवल चुनाव का मतलब लोकतंत्र, जो छोटे बच्चे जो अभी पहली बार जो शायद वोट देने जा रहे हैं, या जिन्होंने पिछले 19 में वोट दिया, फिर 17 में वोट दिया, चुनाव का मतलब लोकतंत्र। अच्छा, आप यशवंत सिन्हा साहब आ गए हैं, उनको हम लोग सुन ले कहिए तो। हाँ, फिर उनसे कुछ प्रश्न भी हम लोग कर लेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस टॉकथॉन में। आप अगस्त में आए थे, आपने बहुत सी नई चीजें हम लोगों को रास्ता दिखाने की दिखाया था, और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मैं इनको शिक्षक के रूप में, क्योंकि इनका पहला जो, जब इन्होंने शिक्षा समाप्त की तो शिक्षक हुए, उसके बाद इनके बहुत रोल थे, मतलब IAS रहे, फिर पॉलिटिकल रोल रहा, एडवाइजरी रोल रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मेरे लिए शिक्षक हरदम रहेंगे। तो शिक्षक के रूप में अब आज का जो हमारा थीम है वो ये है कि चुनाव से शुरू होकर चुनाव पर खत्म
लोकतंत्र की नई परिभाषा, क्या केवल चुनाव ही रह गया है जिसकी मतलब जो जीत गया चुनाव वो कहता है मैं लोकतंत्र का रखवाला, इस पे जरा कुछ समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं आपने कहा कि मैं शिक्षक भी रहा हूँ, हालांकि वो बहुत साल पहले की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी था और शिक्षक भी राजनीति शास्त्र का ही था। तो पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं लेकिन थियोरेटिकल पॉलिटिक्स है, मैं बहुत दशकों से जुटा हुआ हूँ और इन बातों के बारे में कुछ जानकारी रखता हूँ। प्रजातंत्र का मतलब मेरे लिए केवल चुनाव नहीं होता है, किसी का जीतना किसी का हारना केवल नहीं होता है। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में, जहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ अपने संविधान में लिया, वहाँ पे जो ऑपोजिशन है, जो विपक्षी मुख्य विपक्षी दल होते हैं, उनको हर मैजेस्टीज ऑपोजिशन कहा जाता है, यानी कि जितना सत्ता पक्ष सरकार का अंग है उसी प्रकार विपक्ष भी सरकार का अंग है। और लोकतंत्र चुनाव से नहीं चलता है, केवल बहुमत से नहीं चलता है, लोकतंत्र सहमति से चलता है, कंसेंसस। जो मूल मंत्र मैंने समझा है लोकतंत्र का वह है सहमति, वह है कंसेंसस। ये नहीं कि आप चुनाव जीत गए और आपके विरोध में जो लोग खड़े हुए थे वो आपके दुश्मन हो गए और उनसे जन्म जन्मांतर तक आपको दुश्मनी लिभानी है, ऐसा नहीं होता है। और जब मैं राजनीति में भी आया आनंद जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन बड़े बड़े नेताओं के साथ मैंने काम किया, जिसमें चंद्रशेखर थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो उन लोगों के साथ काम करने में मज़ा इसलिए आता था कि उन्होंने लोकतंत्र की वही परिभाषा फॉलो की जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ। और आप अवगत होंगे, अभी हमारे यहाँ सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में 14 तारीख को नेहरू जयंती मनाई गई, सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। और इस वाक्य से भी आप परिचित होंगे कि जब 77 में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे, तो वो अक्सर एक छोटा सा दरवाजा है जिससे होकर आदमी साउथ ब्लॉक में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो पीएमओ को और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कनेक्ट करता है। तो उस दरवाजे से वो जाते थे पीएमओ में, वहां पर नेहरू जी की एक तस्वीर लगी रहती थी। एक दिन अचानक उन्होंने देखा कि नेहरू जी की वो तस्वीर गायब है। शायद किसी ने सोचा होगा कि नेहरू जी की तस्वीर हटा देने से आज के जो हुक्मरान हैं वो खुश होंगे, तो वाजपेयी जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने तत्काल इस बात की जांच पड़ताल की कि कहाँ गई वो तस्वीर। और जब तस्वीर लोकेट हुई तो दोबारा उसी स्थान पर उस तस्वीर को उन्होंने लगवाया। उस आचरण को आप देखिए और आज के आचरण को देखिए कि नेहरू जयंती होती है, लोकसभा सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के लिए सरकार की तरफ से कोई जाता नहीं है, क्या इतिहास बदल जाएगा? जी, मैं कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे और बहुत कुछ उन्होंने इस देश के लिए किया, कुछ गलतियां भी की। तो किससे गलती नहीं होती? क्या आपसे गलती नहीं होती है, मुझसे गलती नहीं होती है? अगर हम मनुष्य हैं तो हमसे गलती होगी। तो इसलिए केवल गलती को ही सामने रखकर आज के दिन एक फैशन सा हो गया है कि नेहरू को
उस स्थान से नीचे उतारो, और उसी कड़ी में यह व्यवहार भी है कि उनकी जयंती पर सेंट्रल हॉल में कोई नहीं जाए सरकार की तरफ से माल्यार्पण करने के लिए। लोकतंत्र का ये अर्थ मेरे मुताबिक नहीं है जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उसको लाइटर वेन में कहें तो जिस व्यक्ति ने वो फोटो हटाई थी शायद वो अहेड ऑफ हिज टाइम था, 15-20 साल बाद हटाता तो शायद उसको आज कोई पदक पद्मश्री पद्मभूषण मिल गया होता। तो जल्दबाजी कर दी। मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो हम लोग लोकतंत्र समझे थे उसमें लोकमत, जैसा आपने कहा, सहमति और लोकमत इंपॉर्टेंट था। बहुमत मिल गया, एक एक गाड़ी चलाने का आपको लाइसेंस, आप ड्राइवर हो गए, लेकिन ड्राइवर जब आप हो गए तो गाड़ी में जो बाकी लोग बैठे हैं, जो बाकी यात्री हैं, उनकी भी कुछ मर्जी चलेगी कि हमें किस तरफ जाना है। ये थोड़ी कि ड्राइवर को आप मिल गए तो आप कहेंगे कि मैं तो ड्राइविंग सीट पे हूं, मैं जो चाहूंगा जहां चाहूंगा जिस रफ्तार से चाहूंगा वैसे जाऊंगा। तो ये लोकमत को हम लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल सही आपने कहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे देश में चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। अगर किसी इमरजेंसी में चुनाव नहीं हुए तो 5 साल में होंगे, और 5 साल एक लंबी अवधि होती है, 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। और इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सरीखे लोगों ने कहा था कि राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए, जो हमारे प्रजातंत्र में आज तक नहीं हुआ है। लेकिन एक बार चुन लिए गए तो 5 साल के लिए आप बादशाह बन गए, और मैं केवल सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंचायत से लेकर और विधानसभा संसद सबकी बात कर रहा हूं कि 5 साल के लिए आप बादशाह बन गए, आपकी मर्जी में जो आएगा आप वो करेंगे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में लोकमत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं लोकतंत्र में। और इसीलिए लोहिया जी ने कहा था ना कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है कि आपने 1 साल के बाद ही गलती करना शुरू कर दी, हो सकता है 1 साल के भीतर ही आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हालांकि चुनकर आए हैं लेकिन लोकतंत्र के विरोधी हैं, इसलिए आंदोलन तो होंगे। जेपी आंदोलन जब हुआ था तो क्या उसको संविधान की मान्यता थी? कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि इस तरह के आंदोलन होंगे? नहीं, वो लोकमत था, वो लोकशाही की सच्ची तस्वीर थी। और इसीलिए केवल चुनाव हो जाना, चुनाव में किसी का जीत जाना किसी का हार जाना, हारी हुई पार्टी को दुश्मन मान लेना, जीती हुई पार्टी के द्वारा मनमानी करना, ये लोकतंत्र की परिभाषा से बिल्कुल अलग है जी। जी मैं एक और थोड़ा इंसिडेंट इससे अलग हटके है लेकिन रीसेंट टाइम्स में हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी कल या परसों या आज या कल सुल्तानपुर आ रहे हैं, और वहां के डीएम ने एक लिखित आदेश दिया कि 2000 बसें उनकी उस रैली के लिए ऑर्गेनाइज की जाए, और लिखित आदेश है जो सब जगह सर्कुलेट हो रहा है। मतलब वो कोई, मुझे ठीक से याद है कि इंदिरा जी की इलेक्शन पिटीशन में वो एक जीप या कुछ उन्होंने यूज कर ली थी सरकारी, और वो भी नहीं, यशपाल कपूर जी ने यूज कर ली थी, पूरा इलेक्शन पिटीशन उस पे रेस्ट कर किया था और वो इलेक्शन पिटीशन हार गई थी। और यहाँ पे 2000 गाड़ियों का लिखित आदेश दिया जा रहा है, तो ये कहीं लोकमत से, मतलब जो बेसिक डेमोक्रेसी की बात है उसमें कहीं ये क्षय नहीं हुआ है? बिल्कुल भयंकर क्षय हुआ है आनंद जी, भयंकर क्षय हुआ है। और अगर अब ये होगा नहीं लेकिन किसी में जरा भी अकल होती तो उस डीएम को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए जिसने इस प्रकार का आदेश निकाला कि सरकारी फंड का। अच्छा मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, अभी मैं आज ही के अखबार में देख रहा था कि वो कहीं गए किसी सरकारी कार्यक्रम ना, वो हमें जिस परंपरा में मैं पला बड़ा हूं उस परंपरा में ये है कि आप सरकारी मंच का दुरुपयोग अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ नहीं कर सकते।
तो हम सरकारी मंच से बोल रहे हैं तो हमको कोई हक नहीं बनता है कि हमारे प्रतिद्वंदी चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई हो, उस मंच का दुरुपयोग हम करें उनकी शिकायत करने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। मैं आपसे निवेदन जो करना चाहता हूं कि हमारे ही लोकतंत्र में शुरू से बहुत सारी इस प्रकार की परंपराएं स्थापित हुई जिनका सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है। और अंग्रेजी में जैसा कहते हैं कि नोबडी इज बैटिंग एन आईलिड, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग तो शायद जानते भी नहीं होंगे कि ये परंपरा है कि सरकारी मंच का दुरुपयोग पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वयं देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति जब ये कर रहा है तो नीचे के लोगों की क्या बात करें। लेकिन गलत है, लेकिन आज के दिन जो ट्रेजेडी है वो ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, ट्रेजेडी ये है आनंद जी कि उस गलत को पॉइंट आउट करने वाला भी कोई नहीं। जी जी, गलत को गलत कहने वाला भी कोई नहीं। जी नहीं, मैं एक चीज आपसे वैसे और समझना चाहता हूं कि जैसे अभी क्या हो गया है कि अब इलेक्शन हर साल को हो रहे हैं, और वो क्योंकि जैसा जैसा इसका विषय ही है कि इलेक्शन ही सारा कुछ, सारा विमर्श, सारा कुछ इलेक्शन ही के पे टिका हुआ है। जो देश के बड़े मंत्री हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो लोग फुल टाइम आके प्रचार कर रहे हैं। और जब जैसे मैं लखनऊ शहर की बात बताऊं, हमारे गृह मंत्री जी आए थे, लिखा हुआ है गृह मंत्री अमित शाह जी का मुख्यमंत्री योगी नाथ जी द्वारा स्वागत, लोगो लगा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार का, और पूरे बैनर होर्डिंग भरी हुई है, सरकारी पैसे पे हो रहा है। इसको क्या मतलब, ये कौन सी डेमोक्रेसी, इसको कौन रोकेगा? देखिए, हमारे यहाँ क्या दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग का हस्तक्षेप शुरू होता है जब चुनाव की घोषणा होती है और आचार संहिता लागू हो जाती है। उसके पहले चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है। अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं, चुनाव दूर हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए चुनाव आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वापस मैं उस कथन की ओर जाना चाहूँगा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कहा था कि संविधान तो हमने बना दिया, लेकिन ये निर्भर करेगा कि इसको चलाने वाले किस प्रकार के लोग हैं, वो इसकी कदर करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर संविधान की शपथ लेने वाले ही संविधान की कदर नहीं करते हैं तो फिर हम किसके पास जाएंगे? आज देश में जो कुछ हो रहा है वो दुखद इसलिए है कि धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके सत्ताधारी दल जो भी जहां पर है, चाहे केंद्र में चाहे राज्यों में, सत्ताधारी दल के लोग धीरे धीरे करके, जिसको सलामी स्लाइसिंग कहते हैं, जो चीन के बारे में उपयोग किया जाता है, वो प्रजातंत्र की सलामी स्लाइसिंग कर रहे हैं, उसकी परतें उधेड़ रहे हैं धीरे धीरे करके, उसको नंगा कर रहे हैं। जी, और मैं जी जी नहीं, आप कहें जी, माफ कीजिए, नहीं मैं कहता हूँ कि हम सब लगभग मूक दर्शक बन के इसको देख रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद बहुत लेट हो जाए। नहीं, मैं आप जैसे, आप तो मंत्री रहे, आप जब समय, आप शपथ लेके आपने मंत्री पद लिया, और आज की तारीख में कोई कुछ कहे, भाई आपने जब मंत्री पद लिया, आप उसकी एक तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप आम जनता की प्रति जवाबदेही आपकी बनती है इसमें, इससे आप नहीं हट सकते हैं। और आप मंत्री बन के मंत्री पद का काम करने के बजाय अगर आप पार्टी का कर रहे हैं तो आप मंत्री पद छोड़ दीजिए। पुरानी परंपरा थी, लोग मंत्री पद से हटके संगठन में आ जाते थे, देश भर में घूमते थे, ये तो परंपरा है। तो ये क्यों गायब होती जा रही है? ये अब मंत्री और संगठन एक ही होता जा रहा है, मंत्री और संगठन एक होता जा रहा है, मंत्री और मंत्री का आचरण चुनाव में एक होता जा रहा है। और आपने जैसा कहा, ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, मुझे याद है मैं लोग राज्यसभा का या लोकसभा का सदस्य था, और इसी जो आज सरकारी पार्टी है इसी पार्टी का सदस्य था, और चुनाव प्रचार के लिए अगर मुझे जाना पड़ता था तो मैं लोकसभा का टिकट नहीं लेता था, लोकसभा से टिकट नहीं, मैं उसके लिए या तो स्वयं जेब से खर्च करता था या पार्टी से पैसे लेकर टिकट खरीद कर जाता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है,
तीसरा पुरानी बात होगी। और दूसरी बात कि किसी मंत्री होते हुए भी किसी सरकारी वाहन का या किसी सरकारी आवास का, सर्किट हाउस, डाक बंगला, इसका उपयोग नहीं करता था, जो वर्जित है चुनाव में। इसलिए हम लोगों ने उस परंपरा को निभाने का प्रयास किया, आज नहीं कर रहे हैं लोग, किसी भी मान्यता को मानने को तैयार नहीं है। और आपने जैसा कहा जा रहा है गृह मंत्री, कहा जा रहा है मुख्यमंत्री, सरकारी खर्च पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन दरअसल वो पार्टी का प्रोग्राम, आप पार्टी के प्रोग्राम जा रहे हैं तो जाइए पार्टी के खर्चे पर। जी नहीं, आप एक्सेप्शन थे कि ये जनरल थे, मतलब आपके बाकी मंत्रिपरिषद के सदस्य भी यही प्रैक्टिस करते थे कि आप एक्सेप्शन थे कि भाई आप ही ये करते थे? हम समझते हैं मैं एक्सेप्शन नहीं था उस समय, लगभग सब लोग, अब हो सकता है कि कोई आगे इस आदमी ने नहीं किया होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि सामान्य तौर पर इसका पालन होता था, इस नियम का। जी जी, वैसे ये जो डेमोक्रेसी हमारी बनी उसका बहुत ठीक से कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इवॉल्व किया गया, लिखा गया, कार्यपालिका हुई, न्यायपालिका हुई, लोकपालिका हुई। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कार्यपालिका में जो ये सीबीआई, ईडी, एनसीबी, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बनाया जा रहा है और उनको ठेठ पॉलिटिकल एंड के लिए यूज किया जा रहा है। इस पे क्या, इस पे मतलब कहीं डेमोक्रेसी कमजोर नहीं हो रही है अगर आप केवल और केवल इन इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिकल फायदे के लिए? देखिए आनंद जी, हमारे जैसे लोग बहुत दिनों से इस बात को, कई सालों से इस बात को कह रहे हैं कि प्रजातंत्र हमारा पिछले वर्षों में कमजोर इसलिए हुआ है कि जब जो प्रजातंत्र की संस्थाएं हैं उनको जानबूझकर कमजोर किया गया है। आप ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स इसकी बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आज पार्लियामेंट कहां खड़ी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज में क्या हो रहा है। एक एक करके हमारे लोकशाही के जो नॉर्म्स हैं, जो मान्यताएं हैं पार्लियामेंट से संबंधित, उनको हम खत्म कर रहे हैं, जुडिशरी से संबंधित उनको हम खत्म कर रहे हैं, मीडिया से संबंधित उनको हम खत्म कर रहे हैं। तो ये जब खत्म हो रही हैं तो उससे प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रजातंत्र केवल चुनाव से नहीं चलेगा, प्रजातंत्र चलेगा इन संस्थाओं के आधार पर। ये संस्थाएं मजबूत रहेंगी तो प्रजातंत्र मजबूत रहेगा, संस्थाएं कमजोर होंगी तो जाहिर है प्रजातंत्र भी कमजोर होगा। जी भैया, इसी से रिलेटेड एक सवाल है और वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जब आपसे बात करता हूँ तो जैसे क्लासरूम में कोई चीजें क्लियर करता जाए, डाउट्स हैं कुछ, एक साथ एक नई मुहिम चल रही है कि देश में चुनाव एक साथ होने चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सब चुनाव एक साथ कर ले। लेकिन उसका एक काउंटर आर्गुमेंट यह है कि जब चुनाव अलग अलग होते हैं, राज्य में जैसे हुआ अभी एक बाई इलेक्शंस भी हुए, वो एक तरह का रेफरेंडम होता है, लोगों की जनमत होता है कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपना गुस्सा कैसे निकालूं, राइट टू रिकॉल तो है नहीं। तो जब ये अलग अलग चुनाव होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो जनमत की, जनभावना की भी होती है। आपको क्या लगता है, एक चुनाव पूरे देश में होना चाहिए कि जैसा चल रहा है विधानसभा अलग, लोकसभा अलग? नहीं, मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जैसे देश में, यूएसए में सब चुनाव एक साथ होते हैं। वहां पे जो सिटी की बॉडीज हैं, शहरों की बॉडीज हैं, जो हम कहें कि पंचायत जो वहां पर है, प्लस जो स्टेट असेंबलीज हैं, स्टेट के गवर्नर्स हैं, सेनेटर ये हैं, उन सबका चुनाव एक दिन होता है। उस संविधान में ही लिखा हुआ है कि एक दिन होगा, लेकिन हमने अमेरिकन सिस्टम को जानबूझ के फॉलो नहीं किया। हमने जो ब्रिटिश परंपरा थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, उसको हमने अडॉप्ट किया है। नाउ ये कह देना बहुत आसान है कि भाई सब चुनाव एक साथ होने चाहिए, लेकिन उसके लिए संविधान में आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसलिए हमारा संविधान जो है दैट इज ए गिवन,
उसको अमेंड करके भी आप सब चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। मान लीजिए कि कह रहे हैं कि सब चुनाव एक साथ हो, अगर पार्लियामेंट का में सरकार चल रही है देश में और किसी स्टेट में वो नहीं चल रही है, गिर गई सरकार, तो आप इंतजार करेंगे 4 साल 3 साल 2 साल कि वहाँ चुनाव नहीं होगा जब तक कि पार्लियामेंट के साथ टैली नहीं करे या केंद्र की सरकार गिर गई ड्यू डेट के करेंगे, इसके बीच में कौन सा शासन करेंगे? बेकार की बात है ये कहना मेरे ख्याल से कि एक साथ सब चुनाव जी। मेरे एक दर्शक हैं, उनका एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ऑब्जर्वेशन, वो कह रहे हैं कि आई थिंक अभिनव वर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन आईएएस आईआरएस आईपीएस नीड टू लर्न कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वैल्यूज इन देयर ट्रेनिंग, इवन इफ देयर पॉलिटिकल बॉसेस इनकरेज देम टू सेल देयर ऑनेस्टी दे हैव टू स्टिक टू देयर मोरालिटी। मेरे ख्याल में ये तो पढ़ाया जाता है, ये तो कहा ही जाता है सबसे, और बहुत बहुत सारी चीजें पढ़ाने से नहीं आती है, आप कितना भी पढ़ा लीजिए वो जब आपके अंदर वो चीज नहीं है जी। सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार गलत चीज है, फिर भी हमारे सिस्टम में भ्रष्ट लोग है ना जी। तो ये केवल पढ़ाने से ये नहीं होगा, ये ऐसा है जो जिसको इम्बाइब करना होगा, इसको आत्मसाध करना होगा, तभी हम इसकी रक्षा कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पढ़ाने से ये नहीं होने वाला है, और पढ़ाया तो जाता ही है, आप ठीक कह रहे हैं कि आप अगर आईएएस आईपीएस आईआरएस किसी भी सरकारी नौकरी में जाते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री है, बहुत लोग एमए पीएचडी आईआईटीज ये करके भी आजकल आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो जितना ऊंचा क्वालिफिकेशन हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी अचीव कर दिया है, पा लिया है, और उसके बाद वो आ रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है 2 साल की, उस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो अगर सिखाने से ही सब कुछ हो जाता तो मैं मानता हूं कि हमारे देश की सिविल सर्विस से बेहतर कोई सिविल सर्विस दुनिया में नहीं होती, लेकिन अगर नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि सिखाने से ही नहीं होगा, और भी उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी। मैं इस पे एक छोटा सा कमेंट दिया कि अभी कासगंज में हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड एलिजिबली एक बच्चे ने सुसाइड किया, वहां के एसपी ने कहा वो 2 फीट ऊंचा नल था, वहां के एसपी ने कहा कि उस 2 फीट ऊंचे नल से उसने नाड़ा डाल के सुसाइड कर लिया, और वो एसपी साहब अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियर थे। मेरे साथ प्रोफेसर अजीत झा साहब आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, सतीश झा साहब, या अच्छा ये सब लोग शिक्षक हैं, आपका कोई अगर प्रश्न है, जैसा आपने कहा था कि आप लोग, तो आपसे प्रश्न है भाई साहब, थोड़ा ये करना चाह रहे हैं प्रोफेसर अजीत झा साहब। नहीं नहीं आनंद जी, कोई प्रश्न नहीं है, जितने भी प्रश्न आपने पूछे, जैसा आपने कहा, जितनी स्पष्टता से सब बातें रखी हैं, और बातें रखने का सवाल नहीं है, जो हमारा आज का रोज का अनुभव है उससे और उसका जो विश्लेषण है, इसमें इतना अच्छा तालमेल सामंजस्य यशवंत जी ने बिठाया है कि उसमें किसी सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें से जो सूत्र निकलते हैं उन सूत्रों पे आप दिन भर चर्चा करेंगे, आगे भी भविष्य में चर्चा करेंगे, और जो मुख्य चुनौती है कि हम अपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करें और कैसे इन परिस्थितियों का मुकाबला करें, इसके बारे में क्या उम्मीद के स्रोत हैं, उसके बारे में भी समय मिलने पर चर्चा की जाए जी। नहीं अभी क्विक रिएक्शन अगर आप इस पे जो प्रोफेसर अजीत झा साहब ने कहा, यशवंत भाई साहब, अगर आप उस पे कुछ टिप्पणी कर दें जो इनका जी जी। अच्छा नहीं जी। मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने अभी हाल में 84 वर्ष 84 ईयर्स कंप्लीट किया अपने जीवन का, और 85th ईयर में चल रहा, ठीक है, लेकिन आप पूछिए कि मैं क्या सिनिकल हो गया हूँ, मैं क्या निराश हो गया हूँ, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मेरे अंदर जो ऑप्टिमिज्म 21 साल की उम्र में था आज भी ऑप्टिमिज्म उसी तरह का है। और एक उर्दू का शेर है, मैं बहुत अच्छी तरह उसको नहीं जानता हूँ,
लेकिन हमारे मित्र अरुण शौरी जी उसको बराबर कोट करते थे कि इनके पहले जो लोग सत्ता में बैठे थे उनको भी इतना ही गरूर था कि वो खुदा है जी। तो ये जो अंग्रेजी में कहा था ना कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अब वो करप्शन केवल लेन देन में नहीं है, मैं मानता हूँ प्रजातंत्र में सबसे बड़ा करप्शन है ये कि डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डिवैल्यू किया, उससे बढ़कर करप्शन कुछ हो नहीं सकता। तो ठीक है, लेकिन उम्मीद कहाँ है मेरे जैसे व्यक्ति को? आई मे नॉट लिव टू सी दैट डे, लेकिन उम्मीद इसलिए है कि मुझे देश की जनता के सही की सही सोच में विश्वास है। वो एक समय ऐसा आएगा कि सारी सीमाओं को लांघकर वो ऐसा कुछ चमत्कार कर देगी जिसकी शायद आज हम आप बैठकर कल्पना भी नहीं करते। इसलिए देश शाश्वत देश हमारा है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता शाश्वत है, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं कि आज क्या हो रहा है, आज जो हो रहा है कल नहीं हो, इतना विश्वास मुझे है जी। मैं वो शेर था तुझसे पहले भी यहाँ तक नशी, तुझसे पहले जो यहाँ तक नशी था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। और इस पे राहत इंदौरी ने भी बहुत लिखा है। एक एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है वैसा आपसे पूछ ले रहा हूं इसके साथ। आप क्योंकि हम आपको स्टेट्समैन डिप्लोमेट, आपने बहुत सी पारियां खेली और आपने देश को हरदम आगे रखा, जब जरूरत आई तो रिजाइन भी करने से आप पीछे नहीं चुके। वो आईएएस के लिए हम सब लोगों ने किया, नहीं हो पाया, किसी का हुआ किसी का नहीं, लेकिन आपने देश को हरदम प्रथम रखा। टीएमसी में जाने का, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों को जैसे आपसे कभी रूबरू बात नहीं हुई, आप टीएमसी ज्वाइन करने का क्या कारण था? मुख्य रूप से कारण ये था, मैं आपको बताऊं कि मैंने डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी के नेता है ना, उनको मैंने एक दो तीन लाइन का मैसेज भेजा था टेलीफोन पर, जिसमें मैंने कहा था कि अगर मेरे टीएमसी ज्वाइन करने से एक या दो सीट पर भी फर्क पड़ेगा तो मैं टीएमसी ज्वाइन करने को तैयार हूँ। ये बात उस समय की है जब चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं, बहुत जंग छिड़ी हुई थी बंगाल में जी चुनाव को लेकर, आपको याद होगा। हाँ, हम भूल जाते हैं, लेकिन जंग थी, इट वाज वॉर, एकदम लड़ाई लड़े थे जैसे हम लोग। और मैं नहीं चाहता था कि वहां बीजेपी जीते, क्योंकि मैं जानता था कि बीजेपी के जीतने का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और इसीलिए मुझे लगा कि मैं अगर थोड़ी भी मदद कर सकता हूँ टीएमसी की तो मुझे ये करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 2019 के लोकसभा के चुनाव मैंने बिना टीएमसी ज्वाइन किए हुए टीएमसी के उम्मीदवारों के लिए, जहां उन्होंने कहा, मैं चुनाव प्रचार में गया था। लेकिन इस बार हमने सोचा कि शायद टीएमसी ज्वाइन करने से ज़्यादा असर पड़ेगा, और इसलिए मैंने ये मैसेज भेजा डेरेक ओब्रायन को और मैंने टीएमसी ज्वाइन किया। मेरी कोई उसमें पर्सनल एडवांसमेंट की तरक्की की बात हमने कभी नहीं सोची। मैंने यही सोचा कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए और उसको हराने के लिए टीएमसी का जीतना जरूरी है, इसलिए टीएमसी जी। मैं इसलिए कहूँ क्योंकि बहुत से जो मेरे दर्शक हैं, जब भी इतिहास इस देश का लिखा जाएगा तो जैसे इमरजेंसी के समय गुजरात और बिहार के आंदोलन की बात होगी, उसी तरह से शायद डेमोक्रेसी को अगर बचेगी तो उसमें बंगाल का इलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और शायद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन भी एक बहुत डिसाइसिव इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि वो भी देश की बहुत सी दिशाओं को तय करेगा। ये मैं इसलिए प्रश्न आपसे पहले पूछ रहा हूँ कि डेमोक्रेसी, ये विपक्ष की एकता के बारे में, क्योंकि अगर विपक्षी एकता नहीं बनी तो वो तो फिर सूट कर रही है भाजपा को उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश के जो 5 चुनाव हो रहे हैं राज्यों में उनके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। देखिए ऐसा है आनंद जी कि कभी कभी हम आप सब लोग लकीर के फकीर बन जाते हैं। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो कौन विपक्षी एकता हुई? बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो कौन विपक्षी एकता हुई? जब लोग मन बना लेते हैं ना तो वो विपक्षी एकता का इंतजार नहीं करते। हमारे देश में ऐसे कई चुनाव हुए हैं जो
जिसमें नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता ज्यादा प्रबल थी सकारात्मकता से। तो अगर जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं, अगर वहां पर आपने ये तय कर लिया, लोगों ने तय कर लिया कि भाई इसको नहीं चुना, तो उसको हरा देंगे लोग, चाहे जीतने वाला कोई भी हो। तो इसलिए विपक्षी एकता हो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन मैं इसको अपने प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा एक डिजास्टर नहीं, आफत नहीं मानूंगा अगर विपक्षी एकता नहीं भी होती है और लोग तय करते हैं कि सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ और उसको यहां से वहां तक वोट देते हैं। जी, क्योंकि मैं आपकी बात को, मैं भी मानो उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता दूं, प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हो गई हैं और बहुत माहौल बना रही हैं, लेकिन फायदा अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी का हो रहा है। वोट की दृष्टि से जो लोग बीजेपी से अलग हट रहे हैं, तो बजाय कांग्रेस में आने के, वो ऐसा लग रहा है कि वो अखिलेश को जिताने का काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत कर रही है प्रियंका गांधी, लेकिन जीत रहे हैं अखिलेश। तो जो आपने कहा कि जब माहौल बनता है तो लोगों को शायद ये लगता है कि नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माहौल बनाने में सबका योगदान होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो हारने वाला है जनता उसी को वोट देकर अपना वोट बर्बाद करेगी, जनता जाएगी जो जीतने वाला है उसके साथ। जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे कर लूं, क्योंकि वो मेरे मन में एक और प्रश्न था। आपने टिकट बांटे भी हैं, एक समय आप भाई आप पार्लियामेंट्री पार्टी में थे, आप तय करते थे कौन उम्मीदवार होगा, तो अभी केवल ले दे के हो गया जिताऊ कैंडिडेट, मतलब वो उसका कोई पृष्ठभूमि हो, वो कहीं से आ रहा हो, लोकतंत्र का क्या जानता है क्या नहीं, लेकिन जीतने वाला है तो उसको सारी पार्टी विदाउट एक्सेप्शन, कम ज्यादा डिग्री का फर्क हो सकता है, ये भी एक खराब परंपरा नहीं आ रही, क्योंकि पार्टीज को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। देखिए, आपने हमारे प्रजातंत्र का एक दुखती रग है, उसके ऊपर आपने उंगली रख दी है। जी, पार्टियों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है, पार्टियों में उम्मीदवार लोग चुनाव के लिए उम्मीदवार कैसे तय किए जाते हैं, ये कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं, और हर पार्टी अपने ढंग से चुनती है उम्मीदवारों को, और अक्सर पहले कांग्रेस पार्टी में भी होता था, बीजेपी में हो रहा है, सारी बातें दिल्ली में तय होंगी। अब बिहार के नरकटियागंज में कौन विधानसभा का उम्मीदवार होगा, ये दिल्ली में बैठे लोगों को क्या पता, लेकिन वो बैठेंगे वहां जजमेंट में, वहां पर 10 तरह की बातें जो उन तक पहुंच सकता है वो पहुंचाएगा और उसके आधार पर वो फैसला हो जाता है। ये गलत परंपरा है, और इसलिए मैं बहुत दिनों से इस बात का तारीफ करता रहा, हिमायती हूं, हाँ, कि जो अमेरिका में सिस्टम है उसको हमको एडॉप्ट करना चाहिए, कि पार्टी का कन्वेंशन हो, पार्टी जो भी लोकल लेवल है उस लोकल लेवल पर तय हो कि हम किसको चुनेंगे अपना उम्मीदवार, और उसके अनुसार वो उम्मीदवार तय हो। लेकिन ये, और आपने जो दूसरी बात कही, जीतना है चुनाव में, जीतना सर्वोपरि है, चाहे संविधान नष्ट हो जाए, परंपराएं मिट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको जीतना है, और जीतने के लिए हम लठियल है उसको, जो गुनाहगार है उसको, क्रिमिनल को, हर तरह के लोगों को हम खड़ा कर देंगे, क्योंकि वो जीतने वाला है। इसको, इस पूरी व्यवस्था को जब तक हम नहीं बदलेंगे, तब तक हमारा लोकतंत्र कभी भी बहुत मजबूत नहीं होगा। जी, मैं एक आखिरी प्रश्न, इसके बाद नहीं प्रश्न पूछूंगा, जो आपने बात कही, मैं मेरे हिसाब से जो भी पार्टीज हैं, सब लोग कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र, किसी पार्टी लोकतंत्र के हल्ला करते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं नहीं, कहीं भी कोई प्रॉपरली इलेक्शन होके कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है, कोई भी वो नहीं, सब ऐसे ही भाई हाईकमान या कुछ बड़े नेताओं ने कह दिया उसी को फॉलो करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। हाँ, बिल्कुल सही आपने। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आडवाणी जी कहा करते थे कि इट्स अ पार्टी विद अ डिफरेंस, क्यों कहा करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि लेफ्ट पार्टीज और भारतीय जनता पार्टी में ही आंतरिक प्रजातंत्र,
और जैसे राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी, हर 3 महीने में उसकी बैठक है, संविधान मुताबिक होनी तय है, तो बैठक होती थी। अभी जनवरी 2019 के बाद से पहली बार नवंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। और इतने दिनों का अंतराल क्यों हुआ? क्योंकि कहते हैं कोविड था, तो सरकार बंद हो गई, सरकार तो चल रही थी, उस तरफ पार्टी भी चल सकती थी, पार्टी के जितनी बॉडीज हैं उनकी मीटिंग हो सकती थी ऑनलाइन, तो क्यों नहीं हुई? आफ्टर ऑल हम और आप बैठ के स्ट्रीम यार्ड पर बात कर रहे हैं ना, और बातचीत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ऐसा तो हम कर ही सकते थे, लेकिन उसके लिए जो मन में भाव चाहिए वो भाव नहीं था। छोड़ो, होगा होगा नहीं होगा, सब चलता है, कौन सवाल पूछने वाला कौन है, हमसे कौन सवाल पूछे, किसकी हिम्मत हिम्मत किसकी हिम्मत, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे, आपके जैसे लोग सवाल कैसे पूछे। जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ज्वाइन करने के लिए, और हम लोगों को इस एक बहुत से जो जाले होते हैं उसको आप साफ कर देते हैं। ये तो दिन भर चर्चा रहेगी और इसका जो निष्कर्ष होगा एक बार आपसे बताऊंगा भी कि क्या रहा चर्चा का टेक अवे जो होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। मेरे साथ सतीश झा साहब भी हैं और अजीत झा साहब भी हैं। सतीश जी आप अगर 2 मिनट रुक सकें, अजीत झा साहब की क्लास है, इनसे 2 मिनट बात करके आपके पास आ जाऊं, आपका भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप मीटिंग छोड़ के बाहर निकले हुए हैं ये मुझे पता है। मैं अपने दर्शकों को सतीश झा का परिचय फिर से करा दे रहा हूं। सतीश झा साहब मूल रूप से पत्रकार, दिनमान, जनसत्ता के एडिटर, अब लेकिन शिक्षक के रोल में, अब ज़्यादा एजुकेशन पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, सारा समय एक तरह से एजुकेशन पर ही लगा रहे हैं कि, और ख़ास करके बच्चों के एजुकेशन को बहुत टारगेट किए हुए हैं। मेरे साथ अजीत झा साहब भी हैं। अजीत झा साहब को शायद जाना है, 2 मिनट बात करके सतीश झा साहब उसके बाद आपके पास आ जाएंगे। हाँ सतीश झा साहब अब जरा आप पे आ जाएं, क्योंकि ये जो बुनियादी सवाल है आपका अगला सेशन है जिसमें विपक्ष, मैं अभी उस पे नहीं शुरू कर रहा हूं, ये जो डेमोक्रेसी का एक, अभी जैसे यशवंत सिन्हा साहब ने भी कहा कि ये सारा कुछ चुनाव हो गया है, कैसे चुनाव जीतना है, ये यही मूल मुद्दा रह गया है। आपको क्या लगता है कि ये डेमोक्रेसी बाकी कहीं मतलब भूल गए हम लोग, बाकी चीजें डेमोक्रेसी के इंग्रेडिएंट्स? हमारी एक विशेषता है, जब भी हमें कोई पैमाना देंगे आप, तो हम पैमाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि इम्तिहान में अगर आपको नंबर पाने हैं, 60% फर्ज का कोशिश होती है 60% कैसे लाए जाए। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट करोगे तो उसमें जितने नंबर चाहिए कर लेते हैं। मैंने देखा एक बार एक CMM की एक धूम चली टेक्नोलॉजी की फील्ड में कि CMM कैसे बनाए, कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल, तो भारत में नंबर 5 पे जो कि हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा लोग थे, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क जो था काफ़ी कम था। यानी कि हम इम्तिहान पास करना जानते हैं, हम उस पर काम करते हैं, हमारे लक्ष्य की जो है, लक्ष्य को हम चुन लेते हैं इस तरह से, उनको छोटे छोटे हिस्सों में उस पर हम काम करते हैं, उसके मूल ही भूल जाते हैं, उसके जो उसकी सोल है, उसकी आत्मा से हम कुछ उस रिश्ता नहीं जोड़ते। लोकतंत्र में भी यही हो रहा है। लोकतंत्र का मतलब सत्ता पाना, उसके लिए चुनाव एक रास्ता है, तो चुनावी जोड़ तोड़ कैसे करेंगे? अभी मैं बैठा हुआ था, कुछ 4 जज मिलने चले आए थे, तो उन्होंने कहा, देखिए साहब, हम तो नौकरी करते हैं, हम जस्टिस की बात नहीं करते। अगर हम वही करना चाहते हैं जो कानून कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लॉ कहती है, तो हम पे वही आरोप लगेंगे, आक्षेप लगेंगे जो पुलिस वालों के ऊपर लगते हैं। तो हम वो नहीं कर सकते, हमको बेल देना चाहिए, लेकिन अगर पुलिस वाले ने एक केस बनाया, हमने उसको बेल दे दिया, तो लोग कहेंगे कि हम भी वही, हमने भी कुछ वही किया जो पुलिस वाले करते हैं, उन्होंने उसका डिटेल नहीं दिया। तो यानी कि वो कहते हैं हम नौकरी करते हैं। अगर जो एक जज कहता है हम नौकरी करते हैं, तो नौकरी का मतलब क्या हुआ? जो हमसे सीनियर हो, जो कहेगा मैं करता रहूँगा, उसमें मूल्यों की बात खत्म हो गई। जो अफसर है, सबसे बड़ी बात, एक ज़माने में जो हमारा जो प्रशासन है, हम कहते थे स्टील स्ट्रक्चर, स्टील फ्रेम हिंदुस्तान का जो था, वो IAS वगैरह सिविल सर्विस थी, लेकिन वो ढांचा इतना गिर गया है, वो लोग सिर्फ जो सीनियर है, सुपीरियर है, जो अनपढ़ राजनीतिक है, उससे बात करते हैं। यानी कि अगर आप चुनाव की बात देखेंगे, चुनाव ही मुद्दा बन जाता है, कैसे चुनाव जीतना है, कैसे सीटें लानी है,
कैसे बहुमत बनाना है। बात अटल जी ने ये कहा, भाई हम तो डेमोक्रेसी में नंबर की बात करते हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता हमारे वोट 30% या 35% है, अगर हमारे पास 51 सीटें हैं 100 में से तो हम सरकार बनाएंगे, चाहे हमारे वोट चाहे 25% हो, और जब हमारे पास 25 पार्टियां तो वो 20% में आ जाएंगे। तो यहाँ जो है लोकतंत्र की आत्मा और लोकतंत्र के मूल्यों की बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ सत्ता को कैसे पकड़ा जाए उसके लिए जो भी कर रहे हैं हम करेंगे। तो चुनावी राजनीति में चुनाव जीतना जो है वो पहला काम होता है, कैसे भी जो भी व्यवस्था स्वीकार कर ले उस तरह जीतना चाहते हैं। दो चार केसेस होते हैं लोग हार जाते हैं कोर्ट में जाकर के, लेकिन आप जानते हैं हाई कोर्ट में बताते हैं आपको कि मुद्दा वहाँ पहुँचता है, उनकी कोशिश रहती है 5 साल तक उसकी सुनवाई ना हो या टलता रहे, 5 साल के बाद अपने आप उसका मतलब खत्म हो जाता है। तो यानी कि यहाँ सिस्टम में प्रोसिक्यूशन बाय प्रोसेस, और जो भी करते हैं जो लोग प्रोसेस समझते हैं वो जीतते हैं। वकीलों का काम है कि प्रोसेस से चलना, जस्टिस कोई बात नहीं करता है। तो जो जुडिशरी है वो जस्टिस के लिए नहीं है, जो इलेक्शन मशीनरी है वो लोकतंत्र के लिए नहीं है, जो उसकी आत्मा है उसको हम बंद कर देते हैं पिंजड़े में और बाकी से खेल करते हैं। जी जी, मैं सतीश जी एक चीज और, मैंने पहले इस, ये बहुत चर्चित नॉवल था और मैं डेमोक्रेसी की बात इसलिए कर रहा हूँ, अभी चीफ जस्टिस रमन्ना ने अपना एक ऑर्डर डिलीवर करते समय, शायद पेगासस का ऑर्डर था, इस किताब के बारे में बोला, और मैंने तब पढ़ी है किताब, मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, नाम सुना था कि किताब है 1984 जॉर्ज ऑरवेल की, और मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं इसको पढ़ता गया तो मुझे जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट उस समय की उसने जो कंसीव किया है, आज से 1950 में मर गए थे जॉर्ज ऑरवेल, और उनका दो तीन चीजें मैं आपसे शेयर करूं और आपसे समझूं। उस समय वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ब्रिग ब्रदर था, उसका नाम वो बिग ब्रदर देते थे, उससे आपको बहुत सी समानताएं देखेंगे। वो कहता था वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में जो डेमोक्रेसी है, अगर आप इग्नोरेंट रहें तो यही ज्यादा अच्छा है आज की तारीख में, ज्यादा बोलने वोलने से आपको तकलीफ होगी। ये मैं इस रेफरेंस में पूछ रहा हूँ कि आप अमेरिका में हैं जहाँ पे आप जिसको कहा जाता है सबसे डेवलप्ड डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, लोग अपनी बात कहने का हक है, हमें हमारी डेमोक्रेसी और उनकी डेमोक्रेसी में बुनियादी फर्क क्या है? बुनियादी फर्क ये है कि हर नागरिक अमेरिका का डेमोक्रेसी को एक गंभीरता से लेता है। अमेरिका में जितनी बड़ी तादाद लोगों की है जो पब्लिक स्पिरिटेड है, जो सिर्फ पब्लिक सर्विस में काम करना चाहते हैं, जो कुछ और नहीं करते, जो बड़ी बड़ी नौकरियां पैसे छोड़ के चले आते हैं। देखिए अमेरिका की सरकार में $1,80,000 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलते पब्लिक सर्विस में। जो लोग काम करने आते हैं वो बिलियनर्स होते हैं, जिनकी तनख्वाह $2-3 million की होती है, वो छोड़ के चले आते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है वहाँ एक प्रतिष्ठा है सरकार के साथ काम करने की। जो लोग पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनका एक सम्मान भी होता है, क्योंकि उनसे उम्मीद करते हैं कि वो समाज के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ भ्रष्ट लोग नहीं है, वहाँ भ्रष्टाचार की ऐसी सीमाएं हमने देखी हैं जो शायद किताबों में लिखनी चाहिए, जो फिक्शन का हिस्सा बनती हैं, जिन पर मूवीज बनती हैं, वो भी वहाँ पर है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत जो 90% जो वहाँ की सिटीजनरी है, जो नागरिक हैं, वो खड़े होते हैं इस बात के लिए, उनको बोलना आता है, और उस पर वहाँ की सरकार ज़्यादा जुल्म नहीं डाल सकती। जैसे ही उस पर कुछ होता है तो उस पर लोग आवाज़ उठाते हैं। यानी कि जो बेसिक प्रोटेक्शन जो नागरिक का है कि वो किसी भी तरह अपनी बात कहे, उसकी जो एक आधारशिला बना रखी है अमेरिका में, उस पर कंप्रोमाइज बहुत कम होता है। लेकिन उनकी बात को कैसे दबाया जाए तमाम तरीकों से, ये उनके विरोधियों का आता है। तो वो प्रिवेल वो करता है जिसके पास एक समझ है, सूझबूझ है, सामरिक नीतियाँ हैं, पैसा है, तमाम चीज़ें हैं अपनी बात को सबके पास पहुँचाने की। लेकिन सबको अपनी बात कहने के लिए कोई रोकता नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क ये है। यानी कि मुझे लगता है हर नागरिक अपनी मैं अमेरिकन हूँ और मैं संविधान के साथ चलता हूँ इसको बहुत गंभीरता से लेता है। लोग अपनी जेब में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके चलते हैं, अमेरिका ऐसा देश, तो वहाँ आप हर जब एक जागरूक नागरिक हो और 90% नागरिक जागरूक हों, और एक बहुत बड़ी तादाद उनकी जो कॉलेज जाते हैं वो कहते हैं कि मेरे जीवन का जो एक मूल्य है मंतव्य यही है कि मैं पब्लिक सर्विस में रहूं,
ये लोग हर कीमत पब्लिक सर्विस पे रहते हैं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हर आदमी जो आईएएस पे आता है, सिविल सर्विस पे आता है, वो पावर के लिए आता है। वहाँ जो लोग जाते हैं कोई पावर के लिए आता नहीं है, उनके पास इतना जरूर है, लेकिन उस पावर के साथ इतनी सारी, जैसे जज है, वो जज किसी से बात नहीं कर सकता, उसकी हर मूवमेंट पे एक रोक लगी रहती है। राष्ट्रपति अपने कैबिनेट में जब बात करता है तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती है, पब्लिक होती है, जितनी मीटिंग सारी पब्लिक होती है, जो बात करता है सारी रिकॉर्डेड रहती है, आज नहीं कल सामने आ जाएंगे। यानी कि अमेरिका में एक अच्छी बात कहते हैं, कीप मी ऑनेस्ट, कहते हैं मैं गलतियां कर सकता हूँ, मैं भ्रष्ट हो सकता हूँ, व्यवस्था ऐसी बनाओ कि जो मुझे ईमानदार रखे। उसके बाद भी जो होशियार लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। उसमें आप देखिए कितना भी कोशिश कर ले, आप चालाक को उस व्यवस्था से ज़्यादा फायदा निकालने में आप रोक नहीं पाएंगे। सवाल है कौन कितना चालाक है, लेकिन कम से कम वो बात जो है आम आदमी के तौर पर, आम आदमी के स्तर पर दिखती नहीं है। यानी कि करप्शन जो होता है हर जगह है, लेकिन करप्शन पुलिस के लेवल पर नहीं है। अगर होगा तो 100 में 1000 में एक आदमी करप्ट होगा, 100 में 1 करप्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ देश में क्या मूल्य है, मैं 5 साल की उम्र से देख रहा हूँ हमारे देश का मूल्य है, भाई बाहरी आमदनी कितनी है, सरकार में बाहरी आमदनी कितनी आती है, ऊपर से कितना कमाते हो, ये हमारा सामाजिक मूल्य है, उसमें कहाँ डेमोक्रेसी खड़ी होगी। तो जो वहाँ के मूल्य है उसमें पायली आमदनी की बात कोई नहीं कर सकता, जो करेगा उसको समाज स्वीकार नहीं करता। तो जो लोग चोरी छुपे कर सकते हैं, लेकिन खुलेआम जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि एक अपराधी को मंत्री बना दिया जाए, आधे अपराधी MLA के चुनाव लड़ते हैं, MP का चुनाव लड़ते हैं, और हर परिवार में माँ बाप को सिखाएं कि वो नौकरी करो जिससे पायली आमदनी हो, जिससे आमदनी ऊपर की हो, यानी कि क्योंकि लेजिटिमेट नहीं है। जो हमारा सारा ढांचा हर माँ बाप बच्चे को सिखाता है पायली आमदनी चाहिए, उसमें आप कहाँ से डेमोक्रेसी लाएंगे। तो ये सोचने की जरूरत है दो चीजें, एक सिटीजनरी, हम नागरिक हैं और संविधान के साथ चलते हैं, ये संविधान किताब अपनी जेब में लेके चलते हैं, ये जिस देश में होगा वहाँ संभावना लोकतंत्र को दबाने की बहुत थोड़ा कम हो जाती, बहुत कम हो जाती, खत्म नहीं होती। आपने ट्रंप ने देखा, ट्रंप ने कोशिश की, उसने लोकतंत्र को काफी हद तक दबाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे हटना पड़ा। लेकिन उसका उसकी जो अपनी व्यक्तिगत जो छवि है, उसके जो 30% फॉलोअर्स हैं, वो उसको फिर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, उनका अधिकार है, उसमें हम उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन ट्रंप ने जितनी गलतियाँ की हैं, उसके उसने 4000 से ज़्यादा उसके ऊपर व्यक्तिगत केसेस के ऊपर है लग चुके हैं, फिर भी वो वहाँ तक पहुँच गया, वो काफ़ी शातिर आदमी है। तो एक जो बहुत चालाक आदमी है, वो कुछ ना कुछ व्यवस्था में इस तरह के डिस्टॉर्शन लाएगा, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आमतौर पर ऐसा होता है, एक जो आम जो ईमानदार आदमी है वो एक एक्सेप्शन है, वहां बेईमान आदमी एक एक्सेप्शन है, ये बहुत बड़ा फर्क है जी। मैं एक चीज और जरा, क्योंकि जब जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जब बड़े हो रहे थे और हम लोगों ने जो पढ़ा, तो मोटे तौर पे भाई एक एग्जीक्यूटिव है, एक न्यायपालिका है, एक लोकपालिका है, इस तरह का तीन वो बोलेगा, और बाद में कुछ लोग अपने को जैसे मीडिया वाले कहते थे हम भी चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का। लेकिन पिछले 2-4-5 साल में एक नया स्तंभ आया है, और वो सेंट्रल जो इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल बॉडीज जो हैं, जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जैसे CBI, ED, DRI, NCB भी आजकल हो गया है, NIA, ये सब भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज होके सरकार से ज्यादा जो भी केंद्र केंद्र में जो भी जिस भी पार्टी की सरकार है उसके टूल हो गई हैं। मैं आपसे जो समझना चाह रहा था, अमेरिका में क्या ये जो इस तरह की एजेंसीज होती हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, CBI का जो भी उसके आप यहाँ बोलते हो, NIA का जो भी बोलते हो, NCB, वो इंडिपेंडेंट रहती है कि वो जो सरकार में उसके हिसाब से काम करती रहती है? देखिए उनका काम इंडिपेंडेंट रहना है। आप देखा होगा कि बिल क्लिंटन की एक मुलाकात हवाई जहाज पे अटॉर्नी जनरल से होगी आधे घंटे के लिए, उसको लेकर के रिपब्लिकन पार्टी ने हिलरी क्लिंटन के कैंपेन की यानी उसकी धज्जियां उड़ा दी थी उस बात को लेकर के, यानी कि पूर्व राष्ट्रपति जिसका संबंध कैंडिडेट से है, वो आधे घंटे के लिए अगर हवाई अड्डे मिल जाता है अटॉर्नी जनरल से, वो बड़ी, अगर राष्ट्रपति भी अटॉर्नी जनरल से मिलता है बिना सबको बताए हुए, बिना किसी की उपस्थिति में, वो भी सिस्टम को स्वीकार्य नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के साथ चला जाता है और अकेले बैठ जाता है, वो अलाउड नहीं है। अगर कुछ भी बात करेगा प्रधानमंत्री, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या कुछ भी बात करें, अगर वो चीफ जस्टिस मिल नहीं सकता, अकेले नहीं मिल सकता, अगर मिलेगा तो कोई तीसरा व्यक्ति होना चाहिए।
जब तक आप इस तरह के नियम बनाएंगे नहीं, उनको लागू नहीं करेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे, तब तक मुश्किलें होंगी। अमेरिकन व्यवस्था में ये है कि जो उनका जो FBI है, FBI इंडिपेंडेंट है, FBI प्रेसिडेंट को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। आप सोच लीजिए, उसका अगर FBI चाहे तो प्रेसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उस पर कुछ चीज़ें होंगी, अटॉर्नी जनरल हल्ला करेगा, लेकिन FBI के डायरेक्टर को छूट है कि अटॉर्नी जनरल की बात ना माने, उसको संवैधानिक अधिकार है। उसका अटॉर्नी जनरल ये कर सकता है कि उसका जो नंबर टू है उसको फायर कर सकता है वो, लेकिन फायरिंग प्रेसिडेंट करेगा। अगर प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है वो फायरिंग करेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसको डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरी पार्टी जो है उसका हल्ला उठाएगी। यानी कि चेक्स और बैलेंसेस बनाने पड़ेंगे, इसमें कोई रोबोटिक तरीका इसका नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी को बचाने का तरीका जो है कोई मशीनी तरीका नहीं है, इसका तरीका एक ही है कि हर नागरिक हमेशा एक व्यवस्था की बात करे, और जो व्यवस्था में जाते हैं वो देखिए, जब ट्रंप ने कोशिश की 6 जनवरी के आसपास कुछ करने की, उसने कहा कि अटॉर्नी बदल देंगे, इमीजिएटली पूरे के पूरे सिस्टम ने काम रिजाइन कर देंगे, नहीं कर पाया वो, क्योंकि सभी लोगों ने कहा हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा क्यों दे देंगे? उनमें जो तमाम जितने पॉलिटिकल अपॉइंटी है उनकी व्यक्तिगत स्थिति ऐसी है उनको नौकरी की जरूरत नहीं है। तो जब लोग नौकरी ऐसे लोग करते हैं जिनको नौकरी की जरूरत नहीं है, या जो नौकरी से इतने ज़्यादा उसको डिपेंडेंट नहीं है, तब जो व्यवस्था बनती है मजबूत होती है। हमारे यहाँ जिसको नौकरी करनी है उसको नौकरी चाहिए, उसकी अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी करेगा क्या बेचारा। तो यानी कि जो व्यवस्था उस परिपक्वता की बात होती है, वहाँ का सिस्टम जो है वो 200-250 साल का पुराना सिस्टम है, उसमें जो तमाम लोग जो पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं उनमें क्षमता होती है कि बात सुने ना सुने। हमारे यहाँ वो क्षमता लोगों में नहीं है। जब तक IAS, जब तक ललन प्रसाद सिंह हमारे होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर को इंतजार करना पड़ता था उनसे मिलने के लिए। सोचिए आप, आज की तारीख में होम सेक्रेटरी और होम मिनिस्टर क्या रिश्ता है? लेकिन LPC के ज़माने में वो कहते थे, भाई मैं अभी आराम कर रहा हूँ, मैं दो घंटे बाद आपसे बात करूँगा, मंत्री से कहते थे अपने। अब आज कोई नहीं ऐसा कह सकता, मंत्री ने कहा दौड़ के जाइए। यानी कि जो मंत्री अनपढ़ है उस अंदाज से बात करें, आपको बुलाएगा, आपका मंत्री है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपका बॉस है, बुलाएगा ये दौड़ के जाते हैं। और वो अफसर कहते भी ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने मान लिया है। ऐसा क्यों मान लिया है? क्योंकि मंत्री ही उनका तबादला करेगा। आपने देखा होगा वाजपेयी के ज़माने में जेठमलानी लॉ मिनिस्टर थे और किरण अग्रवाल जो थी उनकी लॉ सेक्रेटरी थी, वहाँ उन दोनों में जो झड़प हुई वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। फाइनली प्रभात कुमार कैबिनेट सेक्रेटरी उस जमाने में थे, तो किरण अग्रवाल को हटाया तो जरूर गया, लेकिन उसके बदले में फिर जेठमलानी को भी नौकरी छोड़नी पड़ी। अब ये भी देखोगे, किरण अग्रवाल जो थी वो चली गई वहाँ से, लॉ सेक्रेटरी से कहीं और लॉ मिनिस्टर थे जेठमलानी, कुछ समय उनको जाना पड़ा। आपको फौरन नहीं भेजेंगे, लेकिन उनकी जो उस यानी कि वाजपेयी तक हम लोग सोचते थे कोई व्यवस्था है। मोदी ने क्या किया, जिस दिन इसने सरकार बनाई नृपेंद्र मिश्रा को बनाने के लिए इसने ऑर्डिनेंस पास किया, इसने तो कहा मैं जो हूँ मेरे ऊपर कोई नहीं है। वाजपेयी ने क्या कहा, मैं संविधान से चलूंगा। तो अगर आपका प्रधानमंत्री कहेगा संविधान से चलेंगे तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। और वही उसी व्यवस्था में जब प्रधानमंत्री कहता है कि हर चीज़ को ऑर्डिनेंस निकाल देंगे, ED को हम एक्सटेंशन 5 साल कर देंगे, CBI को जो चाहेंगे उसको हम कुछ जो भी कर देंगे जो चाहेंगे, अगर ऐसा करेगा प्रधानमंत्री तो ना नियम रहेंगे ना व्यवस्था रहेगी। तो व्यवस्था को तोड़ने का हिसाब उसको बना ही ले प्रधानमंत्री, जिसके पास 274 सीटें हों अपनी पार्टी की और पार्टी उसका विरोध ना करे तो डिक्टेटर हो गया। आज की स्थिति कुछ ऐसी हो गई। तो ऐसी व्यवस्था में अमेरिका में जो है सिस्टम में आप इतना नहीं कर सकते, जैसे करेंगे सवाल उठेंगे, अंदर के लोग उस पर जवाब आपसे मांगेंगे। यानी कि अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से तमाम लोगों ने कहा हम इस्तीफा देंगे, ट्रंप भी कुछ नहीं कर पाया। ट्रंप सोचता था कि वो अक्षुण्ण राष्ट्रपति बनेगा, एक बार बन गया तो 2050 तक जाएगा, उसका ये मरने तक जाएगा, उसने कोशिश पूरी कर ली थी उसने। लेकिन अगर ये लोग खड़े नहीं होते तो कर लेता वो। तो सवाल ये कि व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, हमें लोग ऐसे चाहिए जिनमें मूल्य हो, जो मूल्यों के साथ चलें, जो संविधान की रक्षा करें, उसकी सिर्फ शपथ ना लें उस तरह से काम भी करें उन मूल्यों के अलावा। जब तक कि अनलेस यू हैव टॉल पीपल इन द सिस्टम, सिस्टम विल बिकम स्मॉल। एक बात छोटा सा आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। जय बचावत जी हैं, हमारे एक दर्शक हैं, बहुत संक्षेप में क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। वो कह रहे हैं, फॉर मी द डेमोक्रेसी इज टू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द राइट विल कम टू इट्स ओन। बहुत संक्षेप में इसका जवाब देखिए, अगर आप अपनी जिम्मेदारियां समझें
जिम्मेदारियां अगर तय करती है हमारे अधिकार तो एक बात है, लेकिन हमारे कुछ अधिकार ऐसे हैं जो जिम्मेदार हम बने चाहे ना बने उस पर हमारे अधिकार होने चाहिए। अधिकार जीवन का, अधिकार हमारे अधिकारों की रक्षा का। ये अधिकार मैं कैसा भी काम करूं, अगर मैं गैर जिम्मेदार हूं उसकी बात अलग होती है, अधिकार हमारे जिम्मेदार से पहले आते हैं। मानवाधिकार, मानव अधिकार, नागरिक अधिकार, उनका आप हरण नहीं कर सकते। मैं जिम्मेदार हूं चाहे नहीं हूं ये अलग बात। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। मैं जो अपना पहला सेशन है उसको यहाँ विराम दे रहा हूँ।